हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जे क्वेरी। ये जे क्वेरी का हमारा सबसे पहला वीडियो है और जे क्वेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं जे क्वेरी। तो जे क्वेरी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं। तो जे क्वेरी में हम देखेंगे, ये कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन, सिंटेक्स ऑफ जे क्वेरी, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, है ना, हाइड एंड शो, फेड, स्लाइड, एनिमेट, स्टॉप एंड बहुत सारे आगे टॉपिक्स भी हैं। तो इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है जे क्वेरी के बारे में। तो बेसिकली जे क्वेरी है क्या? जे क्वेरी एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है एंड जे क्वेरी को यूज़ करना काफ़ी ईजी है। एंड जे क्वेरी का यूज़ हम जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी इज़ टू मेक इट्स मच ईजियर टू यूज़ जावा स्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। मतलब अगर जावा स्क्रिप्ट आप यूज़ करते हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो जे क्वेरी का अगर आप यूज़ करोगे तो वो काफ़ी ईजी है कंपैरिजन टू जावा स्क्रिप्ट के। और जे क्वेरी एक लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। जे क्वेरी सिंप्लीफाई अ लॉट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड थिंग फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में जो काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता था वो काम हम बहुत आसान तरीके से जे क्वेरी में कर सकते हैं। ओके, तो जे क्वेरी सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों का नॉलेज पहले से थोड़ा सा होना चाहिए? जैसे कि HTML, आई थिंक आप सभी को पता होगा, HTML आता भी होगा। CSS के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और बेसिक जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपको थोड़ी बहुत भी आती हैं तो हम जेक्वेरी में अपना जेक्वेरी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपनीज यूज़ जेक्वेरी फॉर वेब। तो जितनी कंपनीज हैं जो वेब के लिए जेक्वेरी को यूज़ करती हैं, जैसे गूगल है, गूगल भी जेक्वेरी का यूज़ करता है, माइक्रोसॉफ्ट भी जेक्वेरी का यूज़ करते हैं, IBM एंड नेटफ्लिक्स आप लोग सब लोग जानते हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी जेक्वेरी का यूज़ कर रही हैं, तो हम लोगों को भी जेक्वेरी का नॉलेज होना चाहिए। नाउ जेक्वेरी को सेटअप कैसे करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, चलिए ये देखते हैं। तो जेक्वेरी एक लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की। तो जेक्वेरी को हम दो रिसोर्सेज से डाउनलोड या दो रिसोर्सेज से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप जेक्वेरी को डायरेक्ट डाउनलोड कर लें, या जेक्वेरी को आप किसी CDN के थ्रू आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। CDN मतलब होता है कोड डिलीवर नेटवर्क। तो जैसे गूगल है, गूगल ने एक CDN बना के रखा है जहाँ पे बहुत सारी इस सपोर्टिव लाइब्रेरीज की ऑनलाइन लिंक्स प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत सारी सपोर्टिव लाइब्रेरी की लिंक प्रोवाइड करता है, जिसमें हमको डायरेक्ट एक लिंक मिल जाती है जो उनके डायरेक्ट सर्वर से चलती है, वो हम डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हैं। हमारे लोकल लोकल फोल्डर में वो चीज़ प्लेस नहीं की जाती है, जिसको हम बोलते हैं CDN। jQuery.com से हम वो फाइल डाउनलोड करेंगे, अपने फोल्डर में प्लेस करेंगे और उसको इंक्लूड करके फिर यूज़ करेंगे। तो दोनों तरीके से मैं jQuery को लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है हेड सेक्शन, हेड टैग है, और हेड टैग में मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया है। स्क्रिप्ट टैग में SRC लिखा है और SRC में हमने jQuery की फाइल का पाथ दिया है। तो jQuery की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन .js होता है। तो ये फाइल हमने अपने फोल्डर में डाउनलोड करके रखी होगी, तभी मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे पाथ दिया है। आई नो कि आप लोगों को पता होगा कि पाथ कैसे दिया जाता है। नाउ सेकेंड सेक्शन जो है, यहाँ पर मैंने एक HTTP, एक URL यहाँ पे रखा हुआ है जो कि गूगल की API से आ रहा है, गूगल की लाइब्रेरी से आ रहा है, गूगल का CDN है ये। तो गूगल ने ये jQuery की लिंक प्रोवाइड कराई है, तो इसको भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए। इस तरीके से भी कर सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड कराई है ये लिंक, जैसे ASP.NET CDN.com, ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ये CDN हमको मिला है। तो आप ये तीनों तरीक़ों से जेक्वेरी को लगा सकते हो। तो मैं इसको लगा के देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ डेस्कटॉप एक फोल्डर मैंने बना लिया है जेक्वेरी, जो भी खाली है इसके अंदर ही मैं अपनी सारी फाइल्स बनाऊंगा। यहाँ पे एक एडिटर मैंने ओपन कर लिया, सबलाइम एडिटर, और हम पहली फाइल बनाते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं। अपने ही फोल्डर में सेव करेंगे, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट या demo.html। फाइल आपकी HTML की ही होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML लिखूंगा। हैड टैग लगाएंगे, कि आप सबको ये पता होगा। हेड के अंदर हमारा टाइटल भी आता है,
टाइटल मिल गया तो डेमो। चलिए अब आपको जेक्वेरी की फाइल को यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे हेड टैग में ही मैं एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करूँगा, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करूँगा और ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पे src। अब यहाँ पे हमको जेक्वेरी का फाइल को लोकेशन देना है। तो अभी हमारे इस फोल्डर के अंदर कोई जेक्वेरी की फाइल नहीं है, तो हम जेक्वेरी की फाइल को लेके आते हैं और यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो जेक्वेरी की सबसे पहले हम देखते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है जेक्वेरी को। तो जेक्वेरी को डाउनलोड करने के लिए हम jQuery.com पे जाते हैं। यहाँ पे jQuery डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे jQuery को डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन है, एक कंप्रेस है और एक अनकंप्रेस है। कंप्रेस एक मिनिमाइज फाइल होती है, अनकंप्रेस फॉर डेवलपमेंट पर्पज से यूज होती है। तो अभी हम कंप्रेस फाइल लेंगे, ये डिफरेंस मैं बाद में आपसे शेयर कर दूंगा। तो कंप्रेस फाइल हम यहाँ क्लिक करते हैं। देखिए jQuery की फाइल डायरेक्ट ओपन हो गई है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फोल्डर में हम jQuery की फाइल को यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो हमने jQuery की फाइल को यहाँ सेव कर लिया है। यहाँ पे अब वो फाइल जो है वो हमारे इस फोल्डर में रखी हुई है, इसी का हम डायरेक्ट जो नाम है वो यहाँ पे पास कर देते हैं, jQuery.js। ओके नाउ इस तरीके से हमने jQuery को लिंक कर लिया। अब दूसरा तरीका है CDN। हमने यहाँ पे डाला गूगल jQuery CDN, तो होस्टेड लाइब्रेरीज में चल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए गूगल ने ये एक स्क्रिप्ट बना के रखी है, ये डायरेक्टली ही हम इस लाइब्रेरी को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। या तो आप ये यूज करेंगे या फिर आप ये वाला तरीका यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक लगानी है, दोनों नहीं लगानी है। तो ये हमने गूगल से लाइब्रेरी उठाई है, आप माइक्रोसॉफ्ट से भी उठा सकते हो। क्वेरी माइक्रोसॉफ्ट CDN इस तरीके से सर्च करेंगे। यहाँ पे jQuery रिलीज ऑन CDN देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये सभी jQuery की लिंक्स दी हुई हैं, तो हम यहाँ पे पहली वाली जो भी वर्जन आपको चाहिए आप वो वाली लिंक्स उठा सकते हैं। मैंने jQuery की ही लिंक उठाई है। यहाँ पे jQuery ये मिनिमाइज वाली फाइल आप लीजिएगा, min.js वाली। तो इस तरीके से फिर से हम स्क्रिप्टिंग टैग लगा के ये तीनों लिंक्स, तीनों तरीके हो सकते हैं jQuery को लगाने के। हेड सेक्शन में आपको लगानी है, या तो आप ऑफलाइन तरीका यूज़ करेंगे ये वाला, या फिर ये, या फिर ये, इन तीनों में से कोई एक रखना है, तीनों नहीं रखने। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं यूज़ करने के लिए इन दोनों को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इन दोनों को यूज़ हम नहीं कर रहे हैं अभी, इन दोनों को हटा ही देता हूँ यहाँ से। तो फिलहाल इस तरीके से हम लोग को अपने पेज में jQuery को लगाना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम देखते हैं कि ये चेक कैसे करेंगे कि jQuery हमारा काम कर रहा है कि नहीं, और कुछ इस कुछ इफ़ेक्ट्स पे काम करके देखते हैं हम लोग, jQuery का सिंटैक्स देखते हैं आगे अगले वीडियो में।